चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नबील, अरे यार ऐसा चलो यार, मेरा सांस फूल रहा है। अरे महमूद साहब, सांस के साथ साथ आपका मुंह और पेट भी फूल रहा है। हाँ, बूढ़े हो गए आप महमूद साहब। क्या नबील, क्या मैं वाकई शक्ल से बूढ़ा लगता हूँ? बूढ़े, शदीद बूढ़े यार। हालांकि मेरी उम्र तो इतनी नहीं है। और बस कर दे महमूद साहब, आपके जमाने के तो जानवर भी अब नजर नहीं आते, बल्कि इंजन भी बंद हो गए हैं। अरे अब ऐसा भी नहीं है नबील। अरे महमूद साहब, ऐसा ही है, आप अपना ख्याल नहीं रखते। मुझे देखे, अभी भी कितना फिट हूँ, कॉलेज का लौंडा लगता हूँ ना। हाँ, कॉलेज का वो लौंडा जो 15 साल से एक ही क्लास में फेल होता रहा है। अरे तुम कौन सा जवान लगते हो? अरे ये आपकी सोच है महमूद साहब, आप किसी चलते फिरते से पूछ सकते हैं कि मैं कितना जवान लगता हूँ। अंकल टाइम क्या हो रहा है? चले भाई, टाइम पूछ रहे हैं। अरे मैंने तो हाथ में घड़ी नहीं पहनी हुई। अंकल मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूँ। अंकल नबील, ओए पागल हो गया, अंधा हो गया, तुझसे 6-7 साल छोटा ही लगता हूँ मैं। क्या मजाक कर रहे हैं अंकल, टाइम तो बताया ना। दफा हो जा अपनी शक्ल घूम कर, चल दफा। लगता है सटिया गया बुड्ढा। चल चल दफा यहाँ से, बुड्ढा होगा तेरा बाप, तेरा भाई, बल्कि छोटा भाई तेरा। नबील वो तुम क्या कह रहे थे? वो कुछ नहीं कह रहा था यार महमूद साहब, चले घर, मेरी तबीयत खराब हो रही है। और चलो चलो, अब तो होनी है। चले जी। नबील और महमूद साहब कहाँ चले गए हैं? कौन नबील और महमूद? हमारे शौहर माजी। हमारे दो दो शौहर हैं माजी, हम दोनों का एक एक शौहर है। तो तू दो दो के नाम क्यों पूछ रही है? इसलिए कि उनमें से एक आपका शौहर भी तो है। किन में से? नबील और महमूद में से यार। तो मेरा शौहर कौन सा है? महमूद साहब। और मेरा? अरे महमूद साहब आप ही के तो शौहर है माजी। तो फिर तेरा शौहर कौन सा है? मेरा शौहर नबील है। कौन नबील? आपका बेटा माजी। मेरा बेटा तेरा शौहर है जी? और मेरा शौहर फिर किसका बेटा? माँ जी खुदा का वास्ता यार, क्या हुआ है? कुछ नहीं, थैंक गॉड नबील तुम लोग आ गए हो, वरना माँ जी ने तो मेरा खून ही पी जाना था आज। खून तो तू पी रही है मेरे पुत्र का, देख इतनी सी उम्र में कितना बूढ़ा लगना शुरू हो गया है। माँ जी आप भी। ना ऐसा क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं मोमो, बुढ़ापे में से ठिया गया बेचारा। क्या बूढ़े हो चुके हैं? क्या लड़के आपको अंकल अंकल कहने लगे हैं? या लड़कियां आपको लाइन कराना छोड़ चुकी हैं? कब की? तो आप उदास मत हो, हम लाए हैं आपके बुढ़ापे का तोड़, जो आपकी जिंदगी को देगा एक नया मोड़, जो आपको देगा खुशियों से जोड़। हे जी हाँ, काजमी सुरमा बनाने वाले लाए हैं आपके लिए शरबते जवान। शरबते जवान? हाँ जवान, शरबते जवान, जो आपकी जिंदगी में भर दे नए रंग, सिर्फ 2000 रुपए में शरबते जवान। तो सोच क्या रहे हैं, अभी कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। हमारा नंबर नोट कीजिए। एक मिनट दोस्त, अब बताएं। हमारा नंबर है 111-000-000, जल्दी कीजिए कहीं देर ना हो जाए। बस अभी मिलाता हूँ, अभी मिलाता हूँ, नंबर वैसे बड़ा अजीब सा है। यार ये नबील कहाँ रह गया है? कुछ नहीं रह गया पुत्र, मैंने सब कुछ लगा दिया है। अरे वो नबील की बात कर रही है। कौन नबील? अरे तुम्हारा बेटा मोमो। तो मेरे बेटे का नाम मोमो है? है? तो फिर ये नबील है कौन? चलो देखो मैं क्या लाया। नबील तुम कहाँ रह गए थे? चलो मैं ये लेने गया था ना। अच्छा किया पुत्र तू कोल्ड ड्रिंक ले आया, आज मैंने बहुत सारा खाना खाना है। आज भी? ओ माँ जी ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये शरबत है, शरबते जवान। What? शरबते जवान? हाँ महमूद साहब, आदमी से पीकर जवान हो जाता है, जवान अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ पुत्र औरत नहीं होती क्या? ओ माँ जी सभी जवान हो जाते हैं, बड़ा ताकतवर नुस्खा है ये, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान सब यही पीते हैं। नबील तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया? मैंने आज इश्तिहार देखा है इसका टीवी पर, उन्होंने गारंटी दी है कि अगर रिजल्ट आए तो पैसे वापस। ओह गॉड। नबील मैं भी पीऊंगा भाई, मुझे भी दो। हाँ मुझे भी। ओ माँ जी आप लोग बेफिक्र रहे, मैं 3 बोतलें लेके आया हूँ। 3? 3? अरे 3 क्यों, खूबसूरत भी तो है। सॉरी नबील को पता है कि मुझे ये उल्टी सीधी चीजें पीने का कोई शौक नहीं है,
और मैं अभी भी जवान हूँ। जवान तो मैं भी हूँ मगर मुझे अब नौजवान होना है। वो जो तुम्हें अब होना है वो नौजवान है। बहन जी। अच्छा जी, ये ले मामू साहब, ये ले माँ जी, ये ले। खाने से पहले दो दो चम्मच पीने हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो पूरी बोतल पीऊंगा ताकि मैं ज्यादा जवान हो जाऊं। हाँ, मैं भी। चलो फिर मैं भी पूरी बोतल ही पी लेता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे मजे की थी यार, अब खाना खाते हैं मानो साहब। तो मैं जवान हुई? ओ माँ जी, ये शरबत है, जादू नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जवान होंगी ना आप। आहिस्ता मुझे भूख लगी हुई है। क्या? मुझे फीडर दे, मुझे भूख लगी हुई है। ये क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ या उस शरबत ने वाकई असर दिखा दिया? मुझे डूडू दे ना, मुझे फीटर लागे दे ना, मुझे नहीं पता आंटी। बुलाएं प्लीज, आप मेरी माँ जी को बुलाओ। ले मैं उनको बहुत वो कर रही हूँ। वो क्या? वो जो हमारी क्लास में होती है ना। क्या? वो जो इंग्लिश की मिस है ना वो। हाँ हाँ मिस, मैं ना उनको बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं बुलाती हूँ। हाँ महमूद साहब, महमूद साहब कहाँ है यार? आए देखिए क्या हो गया। महमूद साहब आप भी? आंटी आप मेरे साथ खेले ना, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। जी नहीं जी नहीं जी नहीं आंटी, आप मेरे साथ खेलेंगे? मेरी तो माँ जी भी नहीं है तो हम लोग माँ जी खेलेंगे। ठीक है टाइम जब करो आंटी, मेरे साथ खेलेंगी। मेरा पीतल का है, मुझे दूध पीना है, मुझे पीतल दे। अभी तो पिया था तुमने? मैंने अभी फिर पीना, मुझे नहीं पता। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब। अरे जी मैं डॉक्टर, आप कौन? खूबसूरत बोल रही हूँ। हाँ भाई मैं थोड़ा खूबसूरत भी हूँ। अरे मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। भाई मैं थोड़ा खूबसूरत हूँ तभी तो आप मुझे खूबसूरत बोल रही हैं। डॉक्टर साहब मैं नबील की बीवी खूबसूरत बोल रही हूँ यार। ओ अच्छा अच्छा, हाँ भाई बोले बोले। डॉक्टर साहब नबील, महमूद साहब और माँ जी छोटे हो गए हैं। क्या? हाँ जी। अरे उनको बोले पार्क में जाके मंकी बाल पे लटके लंबे हो जाएंगे। डॉक्टर साहब वो लोग कद में छोटे नहीं हुए हैं, वो बच्चे बन गए हैं। किसके बच्चे बन गए? इंसान के और किसके। तो क्या वो पहले इंसान के बच्चे नहीं थे? जी चले अच्छा भाई, इंसान के बच्चे बन गए, अब कोई ढंग का काम करेंगे ना। ओह गॉड, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप ऐसा करें फौरन घर आ जाएं। अरे मैं वहाँ के क्या करूँगा? आप आकर उनका इलाज करें यार। क्या हुआ उन्हें? बता तो रही हूँ बच्चे बन गए हैं। अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं असल में बच्चों का ही डॉक्टर हूँ। लेकिन आपने तो एक दफा बताया था कि आप जानवरों के डॉक्टर थे। हाँ भाई, तो जानवर भी तो किसी के बच्चे होते हैं ना। ओफ। अच्छा आप परेशान ना हो, बस मैं आ गया। कौन है? अरे भाई मैं डॉक्टर 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 शायद सिस्टम तू, जल्दी खोल दरवाजा खोलो। बच गया भाई, बच गया, बच गया। क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे भाई मेरे पीछे कुत्ता लग गया था ना। के पीछे कुत्ता क्यों लग गया? वो असल में गली से आ रहा था ना तो एक लड़के को पागल कुत्ते ने काट लिया। फिर क्या होना था भाई, मैंने उसके पेट में इंजेक्शन लगा दिया और कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। क्या? कुत्ता आपके पीछे क्यों पड़ गया? अरे भाई मैंने गलती से कुत्ते के पेट में इंजेक्शन लगा दिया ना। क्या? हाँ अच्छा ये बता बच्चे कहाँ आए? बच्चे अंदर है, आइए। अच्छा चलो। हेलो, आपके पुतलों बाने पर से जवाब वसूल नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब क्या कर दिया इन्होंने घर को, क्या हालत बना दी।
अरे भाई तो मैं क्या करूं? आपने क्या मुझे घर की सफाई के लिए बुलाया है? जी बच्चे कहाँ हैं? अरे भाई जल्दी से बच्चों को बुलाए ना। डॉक्टर साहब आप अंधे हैं क्या? अरे नहीं भाई नहीं, इसके बगैर भी मुझे साफ नजर आता है। ये तो मैंने बताया थी स्टाइल मारने के लिए लगाया हुआ। इसके बगैर ये देखे मैं उतार के दिखा चेक कराता हूँ। ये देखे अच्छा ये बताइए ये कितने? डॉक्टर साहब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। अरे तो बताइए ना ये कितने? ओ यार आप इन लोगों का इलाज करने आए हैं या मेरा? अरे भाई मैं तो बच्चों के इलाज के लिए आया हूँ। कहाँ बच्चे? यही बच्चे हैं। क्या जी डॉक्टर साहब इन लोगों ने कोई शरबत जवान ज्यादा पी लिया इसीलिए ये हाल हो गया। क्या डॉक्टर अंकल आगे? डॉक्टर अंकल आप मेरी जूजू लेके आए? मेरी माँ जी को लेकर आए कि नहीं? तुम्हारी माँ जी ना मर गई है। डॉक्टर अंकल आए ना हमारे साथ खेले? एक मिनट। अरे भाई ये तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है। अजीब तो होनी थी, अली इमरान की कंटेंट टीम ने बनाई है। अच्छा आप फिक्र ना करें मैं कुछ करता हूँ। डॉक्टर अंकल वो जो आप करेंगे वो कुछ होगा। हैंडी हेलो अस्सलाम वालेकुम, यहाँ वाले बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके मतलब वाले मैसेज जवाब मशहूर नहीं हो रहा अभी। अंकल इसके सर पे डंडा मारो जोर का। हमारे लिए खिलौने नहीं लेकर आए? अरे भाई सबको सब कुछ मिलेगा, पहले आप लोग तमीज से बैठ जाओ। शाबाश तमीज से बैठो। साहब ये सब क्या है? ये मेरा सामान है भाई। डॉक्टर साहब मैंने आपको इन लोगों के इलाज के लिए बुलवाया है, इनके साथ खेलने के लिए नहीं। भाई देखे डॉक्टर मैं हूँ, मुझे ज्यादा पता ही आपको। वो तो आप बच्चों वाला सामान क्यों उठा कर ले आए हैं? अरे भाई बच्चों को ट्रीट करने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। मैं इनके साथ खेल खेल कर इनका इलाज करूंगा, बस आप देखती जाए। चलो भाई महमूद सबसे पहले आप तुम्हारा चेकअप करते हैं। चलो नहीं नहीं मेला 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 मेरा चेकअप होगा मैं नहीं तुम चुप करो। अरे भाई फुकाम हो चुकी है, फिकर ना करो। चलो भाई चलो हार लो हार लो लंबी सांस लो। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा कोई आए जाए जलता जा। अरे भाई रुक जाओ, भाई मैं सिगरेट पीता फिर भी थक जाता हूँ, रुक जाओ। अब बच के कहाँ जाओगे बच्चे? अम्मी मुझे बता लो, मुझे बता लो। अब तो मैं कोई नहीं बचाएगा। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा कोई आए जाए चलता जा।
अरे भाई आप घबराएं नहीं, मैं हूं, मैं डॉक्टर साज सिकंदू। डॉक्टर साहब आप तो इनको ठीक करने आए थे, इन्होंने तो आपकी हालत बिगाड़ दी है। अरे भाई आप बिल्कुल बिल्कुल फिक्र ना करें, अब मैं कमरा बंद करके मरीजों का इलाज करूंगा, बिल्कुल किसी को भागने भी नहीं दूंगा। और हाँ, जब तक मैं आपको ना कहूँ ना, आपने भी अंदर नहीं आना, ठीक है? ओके ओके बस ठीक है। अब देखिए मेरा कमाल। जी पापा, आप बड़ी देर से डॉक्टर साहब अंदर हैं, आप बस दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ मैं खुद जाकर देखती हूँ। ओके डॉक्टर साहब। डॉक्टर आंटी आ गए, डॉक्टर आंटी आ गए, डॉक्टर आंटी आ गए, डॉक्टर आंटी आ गए, सब मिलकर डॉक्टर आंटी को मार के घर से भगाते। चला 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 च